आज हम आपको स्पीड ब्रेकर्स के बारे में बताएंगे, स्पीड ब्रेकर्स के स्टैंडर्ड के बारे में बताएंगे, उनकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताएंगे, ये भी बताएंगे कि स्पीड ब्रेकर कौन बनाता है और कौन इसकी मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदार है। और अगर आपको कभी स्पीड ब्रेकर के बारे में शिकायत करनी है तो कौन सी अथॉरिटी को आप शिकायत करेंगे, इसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। इंडियन रोड कांग्रेस एक संस्था है जिसने 6 दिसंबर 1987 को एक मीटिंग रखी थी त्रिवेंद्रम में, और वहां पर डिसाइड हुआ था कि स्पीड ब्रेकर का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। तो स्पीड ब्रेकर का स्टैंडर्ड 6 दिसंबर 1987 को पास हुआ था, और स्टैंडर्ड इस प्रकार है जैसा कि आप अभी यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं। स्पीड ब्रेकर की जो लेंथ है, जिस डायरेक्शन में ट्रैफिक जा रहा है उस डायरेक्शन में लेंथ जो है 3.7 मीटर होनी चाहिए, और स्पीड ब्रेकर की हाइट, जो हम्प की हाइट है, वो 0.10 मीटर होनी चाहिए। और जहाँ हैवी ट्रैफिक का मूवमेंट ज़्यादा होता है वहाँ पे स्पीड ब्रेकर में थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं, जो लेंथ है वो 5 मीटर की कर दी जाती है और हाइट उतनी ही रहती है 0.10 मीटर। तो हैवी ट्रैफिक जहाँ से जा रहा है या कोई छोटी लेंथ है, इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे इस तरीके के स्पीड ब्रेकर को बनाया जाता है। स्पीड को 25 किलोमीटर से कम करने के लिए स्पीड ब्रेकर्स बनाए गए हैं। स्पीड ब्रेकर के स्पेसिफिकेशंस इस हिसाब से तय किए गए हैं ताकि जो गाड़ियां हैं वो जब हम्प से गुजरें तो उनकी स्पीड 25 किलोमीटर से ज़्यादा है तो उनको क्षति पहुंच सकती है। दो स्पीड ब्रेकर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर से 120 मीटर का होना चाहिए। स्पीड ब्रेकर्स कभी भी पास पास नहीं बनाया जाना चाहिए। जब स्पीड ब्रेकर हम्प्स बनाए जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि दो हम्प के बीच की दूरी 100 मीटर से 120 मीटर के बीच में होनी चाहिए, और ये भी एक स्टैंडर्ड है। जहां जहां स्पीड ब्रेकर्स लगे हुए हैं वहां पे एडवांस वार्निंग साइन बोर्ड्स लगाना बहुत जरूरी है, और ऐसे साइन बोर्ड्स जो कि वार्न करें कि आगे स्पीड ब्रेकर है, इनको लगाना बहुत जरूरी है। जो स्टैंडर्ड स्पीड ब्रेकर साइन बोर्ड है वो अभी आपको यहाँ डायग्राम में दिखाया जा रहा है, एक रेड ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल, और रेड ट्रायंगल के बीच में तीन हम्प्स बने हुए हैं। इस तरीके का अगर आपको कोई साइन बोर्ड दिखता है तो आप समझ लीजिए कि आगे स्पीड ब्रेकर आने वाला है। बहुत जगह ये देखा गया है कि स्पीड ब्रेकर इलीगल तरीके से बनाए गए हैं, ना कोई परमिशन ली गई है, ना स्पेसिफिकेशन फॉलो किए गए हैं। तो ये जो स्पीड ब्रेकर्स हैं इनसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जैसे ट्रैफिक कंजेशन, फ्यूल की इकोनॉमी कम हो जाती है, पॉल्यूशन लेवल बढ़ जाता है, गाड़ियों का तोड़फोड़ है वो भी बढ़ जाता है, जो लो फ्लोर की गाड़ियां होती हैं उनका फ्लोर है वो भी स्क्रैप हो जाता है स्पीड ब्रेकर द्वारा, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं क्योंकि स्पीड ब्रेकर जो बना हुआ है उसके कोई वार्निंग साइन नहीं है और उसके स्पेसिफिकेशन ठीक से नहीं बनाए गए, तो ऐसे में एक्सीडेंट्स हो जाते हैं क्योंकि जो ड्राइवर है वो सडनली ब्रेक मारेगा। जो एम्बुलेंस में पेशेंट्स हैं उनको भी प्रॉब्लम आ जाती है, और जो सीनियर सिटीजन्स हैं, प्रेग्नेंट वुमेन हैं, इनको भी ऐसे स्पीड ब्रेकर से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। आपकी सिटी का ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट स्पीड ब्रेकर को ऑथराइज करता है, और स्पीड ब्रेकर कहाँ लगाना है ये भी ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट डिसाइड करता है। कभी कभी पब्लिक भी डिमांड करती है कि हमको यहाँ स्पीड ब्रेकर लगाना है, तो ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दोनों मिलकर के आपकी डिमांड पर स्पीड ब्रेकर लगा देते हैं। तो अगर आपको कहीं स्पीड ब्रेकर लगवाना है और या आप समझते हैं कि स्पीड ब्रेकर लगाना जरूरी है किसी जगह पे, तो ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को आप अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अब देखते हैं कि ये जो स्पीड ब्रेकर हैं ये कौन मेंटेन करता है। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और म्यूनिसिपल कमिश्नर इन सारे स्पीड ब्रेकर की मेंटेनेंस के रिस्पॉन्सिबल हैं, और इनको ये देखना अनिवार्य है कि जो स्पीड ब्रेकर बना है वो इंडियन रोड कांग्रेस के हिसाब से और उनके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बने हुए हैं। हाईवेज पे जो स्पीड ब्रेकर बनाए जाते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को रहती है। तो अगर आपको कभी लगता है कि स्पीड ब्रेकर ठीक से नहीं बना हुआ है हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे, तो आप नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी कंप्लेन कर सकते हैं। स्पीड ब्रेकर की कंप्लेन करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, और एक जागरूक नागरिक के हिसाब से आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर कहीं पे भी स्पीड ब्रेकर गलत तरीके से बना है, जो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं बना है, तो उसका कंप्लेंट आप तुरंत करिए, क्योंकि आपकी कंप्लेंट से आप किसी की जान बचा सकते हैं। अगर स्पीड ब्रेकर स्पेसिफिकेशन से नहीं बना है तो किसी न किसी की जान जरूर लेगा,
आपकी कंप्लेंट इसके लिए बहुत जरूरी है। कंप्लेंट करिए और जाने बचाइए। धन्यवाद।